बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। सासाराम में शराब के अवैध धंधेबाजों ने कब्रिस्तान को सुरक्षित ठिकाना बनाया। कब्रिस्तान के कब्र में भारी मात्रा में देसी शराब को प्लास्टिक की बोरियों में छिपा कर रखा गया था। दरअसल सासाराम की दरीगांव थाना के कादिरगंज स्थित कब्रिस्तान आए लोगों की नजर अचानक कब्र के गड्ढे पर गई तो देखा कि प्लास्टिक की बोरियां और बैग रखा हुआ है। लोगों को शक हुआ कि कहीं न कहीं इसमें देसी शराब है, इसे कब्र में छिपा कर रखा गया है। लोगों ने डंडे की मदद से जब बोरियों को खंगाला तो उसमें से देसी शराब होने की बात सामने आई। कब्र से शराब की बदबू आ रही थी। लोगों को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि शराब तस्करों ने कब्रिस्तान को शराब रखने का ठिकाना बना लिया है। लोगों ने इस बात की सूचना लोकल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्र में रखे बोरियों को बाहर निकाला तो उसमें से देसी शराब निकली। इसे देख स्थानीय लोग और पुलिस भी हैरान रह गए। कब्र से बरामद देसी शराब को जब्त कर पुलिस अपने साथ थाने ले गई और फिलहाल आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। और इसमें बताया दारू रखा जा रहा है, उन कवर तोड़कर बात है सर ना कि हम लोग आए थे मंजिल माटनी करने आया था, मतलब कि मुसलमान लोग, तो उस लोग को देखा ना कि कवर के अंदर की शराब रखा हुआ है, वही बरामद हुआ सर। और वही सूचना किए, मतलब कि प्रशासन को सूचना किए तो फट से प्रशासन आया, बुरा वाला मतलब देखे हैं प्रशासन सब वही तो हुआ। कब्र के अंदर से मिला है शराब? हाँ, कब्र के अंदर सर शराब, बताइए सर कहाँ से बरामद हुआ है, कहाँ ये घटना है? बस ये घटना है सर यहाँ का कादिरगंज का। ये कौन सा कब्र का है? कई कवर पर बोलता है गढ़वा तला।